स्वागत है आपका सॉफ्ट इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक रिटेल स्टोर रन कर रहे हैं और आप प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको गाइड करेगा और आप इसे इजीली प्रोसेस कर पाएंगे वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि आखिर प्रोडक्ट मास्टर क्या है जब एक न्यू यूजर स्विल आर का सेटअप करता है तब वो सबसे पहले प्रोडक्ट मास्टर से प्रोडक्ट्स को ऐड करता है स्वेलीआरपी में सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसलिए इन्वेंट्री के बिना आप किसी भी सेल या का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं बता दें कि प्रोडक्ट मास्टर में सभी टाइप के के डिटेल्स साथ न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड किया जा सकता है यहाँ प्रोडक्ट मास्टर को नेम वाइज या कोड वाइज व्यू करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसके लिए सबसे पहले स्वेलीआरपी के सिस्टम मेन्यू से मास्टर डेटा को सेलेक्ट करेंगे फिर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन से प्रोडक्ट नेम या कोड वाइज पर क्लिक करते हैं इसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट की विंडो ओपन होने पर न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करते हैं वहीं यूजर्स एडिट बटन से प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकते हैं अब लिस्ट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे अगर आप किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का ऑप्शन भी अवेलेबल है और रिफ्रेश बटन से आप लिस्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं अब जानते हैं न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने के बारे में यहाँ मार्केटिंग ग्रुप को सिलेक्ट या क्रिएट करेंगे इसके बाद ड्रॉपडाउन लिस्ट से प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे या फिर सेम विंडो से आप इसे क्रिएट भी कर सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरर और ब्रांड नेम ऐड करना चाहते हैं तो इसे डायलॉग बॉक्स में एंटर करते हैं आप प्रोडक्ट का नेम एंटर करेंगे जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं वहीं अगर आप प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो साइज और स्ट्रेंथ ऐड कर सकते हैं अगर आप कोई शॉर्ट नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसे एलियस कॉलम में एंटर करेंगे और साथ ही यूजर्स लिस्ट से एच कोड ऐड कर सकते हैं या फिर इसे आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ कॉलम में सेल्स और परचेस टैक्स ऐड करें जिसका टैक्स ट्रांजैक्शन से रिलेवेंट है अब कॉलम्स में बिलिंग यूनिट एंटर करेंगे और अगर यूजर प्रोडक्ट को लूज में सेल करना चाहते हैं तो सेल लूज पे टिक मार्क करेंगे वहीं रेट यूनिट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है अगर आप शेल्फ मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो शेल्फ नंबर एंटर करते हैं फिर रिक्वायरमेंट के मुताबिक जेनरिक नेम एंटर करते हैं इसके अलावा एडिशनल डिटेल्स अपडेट करने के लिए एडिशनल डिटेल्स टैब में जाकर यूजर एमआरपी परचेस रेट और सेल रेट भी ऐड कर सकते हैं यहां पर यूजर्स मैनुअली स्टॉक डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं इसके बाद अपने मुताबिक डिस्काउंट अमाउंट को ऐड या लेस कर सकते हैं अब लॉट डिटेल्स टैब में यूजर्स ऑटोमेटिकली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को व्यू कर सकते हैं और उसमें ओपनिंग स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं वहीं इमेज टैब से यूजर्स अपने मुताबिक इमेजेस ऐड कर सकते हैं इसके बाद पेज को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एस भी प्रेस कर सकते हैं आपको बता दें कि रेड स्टार मार्क के सभी फील्ड्स को फिल करना मैंडेटरी है अब जानते हैं कि आप ट्रांजैक्शन सेक्शन से प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं यहां यूजर किसी भी ट्रांजैक्शन विंडो से न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं जैसे कि परचेज इनवॉइस सेल्स इनवॉइस ओपनिंग स्टॉक एंट्री आदि सबसे पहले सेल्स इनवॉइस सेक्शन से कस्टमर नेम के साथ अदर डिटेल्स भी अपडेट करेंगे इसके बाद प्रोडक्ट कॉलम में क्लिक करते हैं जिससे प्रोडक्ट लिस्ट शो हो जाती है साथ ही न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू बटन सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं जिससे प्रोडक्ट क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ से हम न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करके इसे सेव करते हैं तो ये थार पी में प्रोडक्ट क्रिएट करने से जुड़ा वीडियो वी होप इस वीडियो की हेल्प से अब आप ये प्रोसेस इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे और आप इस प्रोसेस पर हमारी सपोर्ट टीम से भी हेल्प ले सकते हैं ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू